हेलो मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो अभी मैं मौजूद हूँ मालसी में। तो यहाँ है देहरादून का फेमस जू, जिसको पहले जाना जाता था मालसी डियर पार्क के नाम से। तो अभी इसका नाम चेंज हो गया है और इसका नाम हो गया है देहरादून जू। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं। एंट्री गेट थ्रू यहाँ पे पार्किंग की रेट लिस्ट। तो ये यहाँ की फोर व्हीलर पार्किंग और आगे जाके है टू व्हीलर पार्किंग। पार्किंग एरिया तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लग सकती हैं एक साथ। लोग भी यहाँ काफ़ी आ रखे हैं। दोस्तों यहाँ पड़ता है फूड कोर्ट, कैंटीन है यहाँ पे खाने के लिए। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं अगर भूख लगे तो। और ये है यहाँ का टिकट काउंटर। तो यहाँ लगी आज भीड़, तो लेते हैं भाई यहाँ पे टिकट और चलते हैं अंदर, देखते हैं एनिमल्स। तो यार चलते हैं सीधा अंदर को। तो यहाँ से होती है एंट्री। हेलो सर जी, टिकट बैग चेक करो। पानी की बोतल है दो, थ्रो वाली है, घर वाली है? घर वाली है, मतलब दो पानी की बोतल। ठीक है, थैंक यू। तो यार यहाँ खाने पीने का सामान ले जाके रहना अलाउड नहीं अंदर। तो यहाँ पे होता है बैग चेक। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में पड़ता है फन पार्क छोटे बच्चों के लिए। तो दोस्तों ये है फन पार्क यहाँ का, और यहाँ पे पूरे कार्टून कैरेक्टर है जहाँ पे बच्चे फोटो खिंचवाते हैं। छुट्टी है, वो भीम है। अच्छा, ये डोलू है। अच्छा डोलू। तो यहाँ पे अच्छा अच्छा छोटा वाला जोक राजू बताएगा बेटा, कौन कौन बताओ। हाँ अंकल जी, कहाँ से और क्या? देवबंती के। चलो बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पे बना रखा है 3D पोर्ट्रेट जंगली जानवरों का, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा रखा है ह्यूमन इवोल्यूशन। पहले इंसान बंदर था, उसके बाद धीरे धीरे करके विकास हुआ इंसान का, लास्ट में इंसान चलाने लग गया कंप्यूटर। तो चलते अब यहाँ से आगे। तो यहाँ बच्चों को काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे यहाँ पे झूले लगे हैं, बच्चे यहाँ मज़े से अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे लिखा है आप यहाँ जानवर अडॉप्ट कर सकते हो। तो आप उनके यहाँ खाने पीने के लिए खर्चा जो भी होगा आप यहाँ पे कर सकते हो। ये यह है यहाँ पे। तो चलते फिर आगे। दिस वे सारी डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रखी है, बर्ड्स एडवेंचर क्रोकोडाइल स्नेक एक्वेरियम। तो यहाँ से होती है एंट्री, और 50 मीटर दूरी पे यहाँ पे वॉशरूम। एवरी एंजॉय द कलर्स ऑफ विंग्स। तो यहाँ से पहले बर्ड सेक्शन पे चलते हैं, यहाँ से बर्ड सेक्शन होता है स्टार्ट। और डस्टबिन भी यहाँ पे रखे हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है लेडी एम्ब्रेट। क्या सही लग रहा है यार, देख क्या कलर है इस पे भाई, वीडियो में बढ़िया आ गया। तो चलते अब यहाँ से आगे, और यहाँ पे देखते हैं कौन सा पक्षी है। तो ये है कोका टेल, और ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे है। तो इतने सारे कोका टेल्स हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। देखिए कुछ ऊपर भी है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये कुछ ऊपर भी बैठे हैं, काफी सारे हैं ये कोका टेल। तो यहाँ पे लिखा है जीता है 16 से 25 साल तक जीता है, बस कम है इनका टाइम, लाइफ टाइम स्पेन। और यहाँ पे हैं, तो ये पाए जाते हैं पाकिस्तान से आ रही है स्पीसीज। तो एक ही है बेचारा यहाँ पे, दाना चुग रहा है, कुछ खा रहा है यहाँ पे। तो ये शायद अकेला है यहाँ, ये पंख फैला दिए इसने। और चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे है पल्म हेडेड, ये पैरट की प्रजाति है, और ये तो ये पूरे एशिया में पाया जाता है।
साइंटिफिक नेम बहुत ऐसे होते हैं। तो ये है प्लम हेडेड और ये यहाँ पे तीन है क्योंकि इनका सर है लाल प्लम के जैसे, तो इनका इसलिए नाम रखा है प्लम हेडेड। कुछ यहाँ पे भी है, कलर कितना प्यारा है, कुछ यहाँ पे भी है ये। और यहाँ पे देखते हैं कौन सा पक्षी है। ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो ये है सन पैराकीट और ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अमेरिका से ये आ रखे हैं और इनकी उम्र होती है 25 से 30 साल जीते हैं बस ये। कितना मस्त है यार, कुदरत के सारे कलर इसी पे हैं भाई। ओ भाई कौन है वो काकर। तो ये देखो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 8-9 होंगे। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बेहतरीन है। तो ये ईस्टर्न साउथ अमेरिका की प्रजाति है। ये देखो तीनों कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो दोस्तों अब जा रहे हैं यहाँ से आगे और यहाँ से जाएंगे राइट को, तो उधर भी काफ़ी सारे बर्ड्स हैं वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे है सबसे पहले अलेक्जेंड्रिन पैराकीट। नेटिव इंडियन एक तो सो रखा है यहाँ पे, ये बेचारा सो गया यार, बीमार बुमार लग रहा मुझे यार। उसकी लड़ाई हो रही थी बेचारे को मार के, अब देखो उसे जग गया वो। बहुत सारे यहाँ पे थोड़ा बढ़िया है ना, ये थोड़ा नया है। हाँ कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र कितने साल जीते है रे? इनकी भी 25-30 होंगे। हाँ बजरीगर, ये है बजरीगर और ये ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है। ये भी छोटे हैं रे काफ़ी। ये कौन सा है? अच्छा तो लव बर्ड्स है यार, लव बर्ड्स है। ये है लव बर्ड, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये भी अफ्रीका की प्रजाति है। ये जीते हैं 10-15 साल जीते हैं बस। दस ये है लव बर्ड। चलते आगे और देखते आगे कौन सा बर्ड है। तो ये भी चाइना की प्रजाति है, यहाँ पे इसकी जानकारी लिखी है। ये है एक यहाँ पे लेटा है, अबे मर तो नहीं गया, उल्टा हो रखा है। ये अच्छा गड्ढा खोद रहे है, भागने की प्लानिंग है इनकी। अच्छा जाग गया है तो गड्ढा खोद रखा है इसने। हाँ ये है सिल्वर प्लीजेंट, एक ये ब्राउन कलर का है। ये शायद फीमेल होगा ना, वो मेल होगा। ये क्या है? ये भी चाइनीज प्रजाति है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, कूद भी रहा है, कलरफुल है ये पूरा। वो देखो उनको डरा रहा हो। तो यार काफ़ी सारे हमने यहाँ पे बर्ड्स देख लिए और चलते आगे देखते हैं और कौन से एनिमल हमको देखने को मिलते हैं। और ये रास्ता जा रहा है आगे, तो रास्ता तो यार काफ़ी हरा भरा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और मौसम भी बढ़िया हो रखा आज। और यहाँ पे पानी पीने का है शायद, यहाँ पे कहाँ पे मोर। अच्छा ये, अरे ये तो मोर है यार, ये देखो यार पंख फैला के हो रखा है। पंख फैला रखे हैं, जो पंख फैला रखे मेल है और ये फीमेल है। ये फीमेल है, चार फीमेल पे दो मेल। ये देखो भाई साहब ये उल्टा और का ना खड़ा, एक तो घूम रहा। ओ भाई साहब ये है मोर, नहीं है वो है मोर। एक ये भी है, दो है यहाँ पे मेल और है तीन फीमेल है यहाँ पे। बंदी तो बीच से बना रही है बंदी। एक मोरनी यहाँ पे भी है प्यारी सी, ये देखो कितनी सही लग रही है। और ये है यहाँ पे मोर,
ये देखो भाई साहब, ये घूम गया यहाँ, हाँ भाई आ गए आ गए हम देखने तुझे। देख लिया देख लिया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। दोबारा से घूम गया अभी। तो दोस्तों यहाँ पे बैठने के बना रखे हैं बढ़िया, और ये यहाँ पे मिलता है पीने का पानी, ये है यहाँ पे। चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं मुझे मकाओ, बहुत सारे, दो मकाओ है यहाँ पे, तीन मकाओ, ये है ब्लू एंड येलो मकाओ, और ये पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। ये देखो मकाउज, ये मकाओ, क्या सही लग रहा है यार ये। तो हम जा रहे हैं आगे, यहाँ बंद कर रखा है, यहाँ जाना शायद बंद मना कर रखा है। और ये देखो घुमावदार रास्ता आ गया यहाँ पे, थिंक ग्रीन लिव ग्रीन। तो उसने काफ़ी एरिया है घूमने के लिए, बहुत लंबा बना रखा है, पता नहीं कितने एकड़ में है ये यार। तो जा रहे हम नीचे को, ये रास्ता जा रहा पूरा नीचे। यहाँ पे भी है दो मोर, ये बेचारे तब से यहीं पे खड़े हैं, इनको सदियाँ बीत गई है, यही ही रहेंगे। और ये देखो रास्ते बढ़िया बना रखे हैं, उत्तराखंड सरकार ने यार काफ़ी पैसा खर्च कर रखा है यहाँ। बैम्बूस के पेड़ है यहाँ पे काफ़ी सारे। तो यहाँ ऑस्ट्रिच को देखने के लिए यहाँ लगी है भीड़, कितना बड़ा है यार ये ऑस्ट्रिच। तो इनको स्पेस चाहिए, इनके ऊपर तो यार इंसान भी बैठ के चला जाए। हाँ इनकी स्पीड होती है भाई 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं। जानकारी आपको शुतुरमुर्ग के बारे में यहाँ दिख जाएगी, ये देखो मैंने बताया था 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, और 7 से 9 फीट के होते हैं, और अंडा कितने किलो का होता है उनका। तो ये इनके अंडे नॉर्मल देख लो यार, ये छोटे मुर्गी का अंडा है, और ये इतना बड़ा इसका अंडा देख लो, इंसान की खोपड़ी के बराबर अंडा दे देते हैं भाई ये, आइए इसके बच्चे होते हैं ये। उसको लंबा हो, अब ये आ चुका है बाहर यहाँ पे, अभी रेस लगाएगा तो उसको मजा आ जाएगा। कैसे बुलाते हैं इनको, शुतुरमुर्ग को, शुतुरमुर्ग को वीरप्पन होता ना, वीरप्पन बुलाता है। इमू बोलते हैं इमू। तो 6 से 2 फीट तक के होते हैं, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं, ये इनकी जानकारी पूरी। इसकी पीछे भी आंखें हैं, पीछे कहाँ है इसके आंखें, अच्छा कान है वो, अब कान है उसके, वो इमू है, वो इमू, इमू भाई इधर देखो इमू, ये और एक यहाँ पे भी है। दोस्तों ये घड़ियाल यहाँ पे, और यहाँ पे धूप सेक रहे हैं क्योंकि ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। और आप इधर आएंगे तो इधर है मगरमच्छ जस्ट बगल में, ये है भाई। तो ये बिल्कुल धूप है सूख रखे हैं, इनकी स्किन पूरी सूख चुकी है, ये ज़्यादातर पानी के अंदर ही रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी लिखी है क्रोकोडाइल के बारे में, ये देखो। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्टल आपको देखने को मिल जाएंगे भाई, ये एंडेंजर्ड है, मतलब खत्म होने के उस पे है ये, देखो यार इसको बचाया नहीं गया तो ये खत्म हो जाए बेचारा। ये वाला कुछ वहां पर रखे दो, ये तो दोस्तों हम जाएंगे स्नेक वर्ल्ड में, और यहाँ पे बना रखा मोगली, और वो का बना रखा है, चले आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। रॉक पाइथन, सबसे पहले यहाँ पर रॉक पाइथन, ये है भाई सब रॉक पाइथन। तो ये है दोस्तों रॉक पाइथन, जब ही सो रखा उधर। अब चलते आगे से, और ये देखते हैं आगे क्या है। ये यहाँ पे बर्मी अजगर, ये देखो बर्मी अजगर, तो ये होता है कितना 18 फीट का होता है ये।
बर्मी अजगर, ये भी नॉन वेनमस है। एक उसके अंदर है, एक वहां दुबक रखा है, और एक ये है बर्मी अजगर। सही लगा तगड़ा भाई। अभी जब फन ज्यादा बड़ा नहीं यार, छोटा ही है अभी। ये वाला बड़ा नहीं, पर ये वाला मोटा कितना है? अभी यंग है, यंग मोटा हो गया। हिल भी नीचे से आएगा ये आया बाहर, ये खोलेगा ना तो बाहर को मजा आ जा जा जा। ये अजगर देख तो पाते नहीं है, बस मूवमेंट करता है। रसल वाइपर को देखने आ चुके हैं हम, पर है नहीं यहाँ पे मौजूद रसल वाइपर। उसके अंदर भी नहीं दिख रहे मटके। सबसे ज्यादा डेथ इसी में मटके से होती है। तो ये है बहुत ज्यादा वेनमस नाग यहाँ पे, इंडियन कोबरा। गर्मी लग रही होगी ना, और यहाँ छुप रखे मटके के अंदर। गर्मी से बचने के लिए जा रखे अंदर। ये है कॉमन करेज, ये भी वेनमस है। इंडियन क्रिएटर ब्लू फ्लाई कहाँ दिख रहा है? ये है कॉमन सैंड बोवा, रेगिस्तान में पाया जाता ना ये। ये भी है नॉन वेनमस कॉमन सैंड बोवा। मुझे ऐसा लग रहा है नकली सब का प्लास्टिक का बॉल पाइथन। बढ़िया लग रहा है भैया, नाइस। सो रखा है अरे बेचारा। और यहाँ पे वाइन स्नैक। तो ये है माइल्ड वेनमस, ज्यादा जहरीला नहीं है। मेरा मिर्ची लग रही है। अरे ये तो मिर्ची जैसी है यार, मिर्ची का पेड़ कितना पतला यार ये। शिकार करने के लिए हो रखा है, छोटी छोटी छिपकलियों को खाता है आज। ये है धामण, देखो भाई क्या तगड़ा है ये धामण। एक इसके पीछे भी है, इंडियन रेड स्नैक धामण। चूहे चूहे खाता भाई ये, भाई साहब एक वाला एक ही है क्या यार? एक ही है क्या? दो यार, एक ये वाला खाना खा रहा है यार, और एक ऊपर है। ये वो रंग बदलने वाला है ना? ना ना, वो तो कैमेलियन होता है। ये इगुआना है, गैर विसेला। तो अब जा रहे बाकी स्नेक वर्ल्ड से हम। अब यहाँ पे पड़ता है एक्वेरियम, पहले आगे देख के आते हैं। एक्वेरियम जाने से पहले हम जाते हैं आगे, आगे कुछ है यहाँ पे, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आउल, अच्छा यहाँ पे रखे आउल। यार उल्लू है यार, उल्लू का पत्थर। ओ भाई साहब ये कितना तगड़ा लग रहा है। अरे भाई इसकी आंखें ये कितनी मस्त आंखें हैं इसकी, देखो यार। आधी आंखें बंद करके इसने, वाह यार क्या सही है यार ये। तेल लग, अगली बार आऊंगा चूहा लेके। इधर देख आंखें इधर घुमा। ये डेडली लुक भाई साहब। अरे यार ये बीच से क्यों नहीं जा पा रहा था, इसमें आनी थी ना, ये जाली नहीं आती इसमें, हम पड़िया था वह। झपक झपक आके झपक। तो ये ब्राउन आउल, ब्राउन आउल पाया जाता है साउथ एशिया में ये। और इसके ये बच्चे ऐसे होते हैं, और जब ये पंख खुलता तो इतना बड़ा होता है। तो यार दोस्तों ये था बाहर जाने का रास्ता, तो हम वापस जा रहे हैं नीचे को। तो नीचे एक्वेरियम, तो यहाँ से होती है एक्वेरियम के गेट की एंट्री शुरू।
क्या भाई कपड़े कुपड़े पहनने पड़ते हैं क्या अंदर जाने के? नहीं नहीं तो यहाँ से स्टार्ट होती है एक्वेरियम और चलते भागे यहाँ से शुरू होती है मछलियाँ। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे ऑस्कर फिश, ये ऑस्कर फिश, वाह यार कितनी बढ़िया है। ऊपर ऊपर और ऊपर से बस, ये देखो यार अफ्रीका में पाई जाती है, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील फ्रेंच गुयाना अमेजोन नदी वहाँ पाई जाती है। देखो यार कितनी शानदार है, और ये एलिगेटर घर बोलते हैं इसे। और ये अभी तक छोटी है, इनका एक्चुअल साइज होता है 10 फीट। बहुत सही है, वो ये तो खड़ी हो गई। अरे ये है पुंटियस, इसको बोलते हैं पुंटियस। ये देखो कितने सारी है छोटी छोटी, 5 से 7 सेंटीमीटर की छोटी होती है, अरे 10 इंच तक होती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण एशिया में पाई जाती है। और आगे चलेंगे तो ये कौन सी है? टेनिशियन बार फिश। तो यहाँ पे संग्रह करके रखा है ना, कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है, ये विलुप्त होने वाली है। देखो यार एल्बिनो लोच फिश, कुछ नीचे भी है यहाँ पे। और यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे रेड ड्रैगन फ्लावर हॉर्न, तो ये है भाई साहब रेड ड्रैगन फ्लावर हॉर्न। तो इसका जो हेड होता है ये होता है बड़ा बल्ब जैसा, और पूरी बॉडी होती है छोटी। सिल्वर डॉलर, और दोस्तों ये है सिल्वर डॉलर फिश। ये देखो तो ये सिल्वर कलर की होती है छोटी छोटी, ये देखो चपटी है, ज़्यादा मोटी नहीं है। और ये इनके नीचे बना रखा है रहने के लिए, बहुत सारी है। और आगे चलेंगे तो आगे दिखेंगे हमको टाइगर बार्ब, इधर बोलते हैं टाइगर बार्ब, टाइगर जैसी है ये, है टाइगर जैसी, इसकी पूरी जानकारी लिखी है। ये देखो ये भी काफ़ी छोटी है, बहुत सारी है। बहुत ही सुंदर। और ये स्पॉटेड स्कैड, क्योंकि इनके पीठ में है स्पॉट तो इसको बोलते हैं स्पॉटेड स्कैड। अच्छी लग रही है ये भी, ग्रीन टेरर। और ये ग्रीन टेरर शायद वो वाली है, ग्रीन टेरर वो लंबी वाली, छोटी वाली नहीं है, ग्रीन टेरर। और आगे चलेंगे तो यहाँ पे है ऑसेलरिस क्लाउन फिश। देखो भाई ये क्लाउन फिश बहुत प्यारी है, और अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे है येलो टाइल ब्लू डैमसेल बोलते हैं इसको, 116 मीटर गहरे पानी में रहती है ये, काफ़ी छोटी छोटी हैं ये, और ऐसे रहता है ये पत्थरों के नीचे छुप के। दोस्तों ये गोल्ड फिश, देखो यार कितनी प्यारी प्यारी है ये, कितनी सही लग रही है यार गोल्ड फिश यहाँ पर। गोल्ड फिश देखने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे, ये है चियांट गोरामी बोलते हैं सर, भाई साहब कितनी बढ़िया है। एक दो तीन चार पाँच छः सात हैं टोटल। यहाँ पे क्या है इरिडेसेंट शार्क बोलते हैं सर, शार्क जैसी लग रही है, उसका कुछ वैसा होगा ना जैसे मिलता होगा। यह सिचल नहीं, बहुत सारी है, बहुत अच्छी लग रही है, खूबसूरत है देखने में।
यहाँ तो बुक रखी है तैयारी से और पाइमा, ये और पाइमा नाइस, बहुत बढ़िया है। अरे 15 फीट तक हो जाती है, अगर अभी तक छोटी है ये। टेक्सास सिकल्ड है इनका नाम, टेक्सचर देखो इसका गाइस, इसका कितना बढ़िया प्यारा टेक्सचर है, देखो इसका टेक्सचर क्या कुदरत की, क्या कलाकारी है। कुछ यहाँ पे भी है, ये देखो, ये है गोस्ट नाइट फिश। और इधर चलेंगे तो यहाँ पे दिखती है दोस्तों, ये गोस्ट नाइट फिश कॉम जैसी दिख रही है पीछे से, पतली सी है, हाथ से भी पतली है। और इधर देखेंगे तो यहाँ पे ब्लड पैरट स्किल, ब्लड पैरट स्किल ये है, यहाँ पे जमावड़ा हो रखा है इनका, ये देखो काफ़ी सुंदर है ये भी दिखने में। और एक वहाँ पे लेट रखी है, वो देखो है, वो लेट रखी है। और एक ये देखो आ गई, वो इसका टेक्सचर क्या मस्त है, अरे कलरफुल है। जो आप कैमरे में देख रहे हैं आप वो रियल में देखेंगे तो और ज़्यादा। अब एक वहाँ पे लेटी ऐसा करके देखना, ये जैगुआर फिश, ये है यहाँ पर सिल्वर शार्क, बहुत सारी है सिल्वर शार्क बोलते हैं। ये है सिल्वर एरो ना यहाँ पे, बहुत बढ़िया है, देखो कितने बड़ा साइज इसका, नाइस बहुत बेहतरीन नाइस। कुछ ये भी है, पिराना है क्या तो दोस्तों, ये है सबसे खूंखार मछली पिराना, बहुत डेंजर फिश। और ये है मोनो एंजल फिश, इसको बोलते हैं मोनो एंजल फिश, छोटी सी, काफी सुंदर है ये दिखने में मोनो एंजल। तो मोनो एंजल फिश देखने के बाद हम जाते आगे, इसको बोलते हैं रेड टेल कैट फिश। स्नैकहेड मुरेल फिश, स्नैकहेड सांप जैसा है इनका हेड क्या, ये टिन फाइल बार्ब, तो इनकी पूंछ है पीछे से रेडिस, अच्छी लग रही है भी, बहुत सुंदर दिखने में। और यहाँ रहती है इन पत्थरों में, अगर देखेंगे तो ये है प्लैटिनम एंजल, ये देखो बिल्कुल स्टेबल पर की, यहाँ पे प्लैटिनम एंजल बोलते हैं इनको। तो अब चलते आगे, येलो गोरामी, नीचे से दो मूंछे निकल रही हैं इनके, दो टेंटिकल्स आ गए इनके पतले से नीचे से। और ये ग्रास कार्प बोलते थे रोहू, ये है रोहू। इसका नाम क्या है, नाम लिखा नहीं। अच्छा, हाँ दो टाइप के ना, क्या बेहतरीन,
इधर भी है क्या? खत्म हो गया। अच्छा हाँ, ये वापस वहाँ से घूम के पूरा वापस आ गए हम यहाँ। यार दोस्तों हम आ चुके हैं बाहर, हमने देख लिया पूरा एक्वेरियम, चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है कैक्टस रॉक गार्डन, तो हम जा रहे हैं अभी कैक्टस रॉक गार्डन में। कैक्टस दियो भाई, टिकट दियो। तुम पे यार टिकट? मेरे पे? ये लीजिए भाई जी टिकट। भाई जी लेपर्ड कहाँ है? लेपर्ड भी इधर था ना पहले, अब ये पता नहीं कौन से कैक्टस है। यहाँ पे भी कैक्टस है। इतना मज़ेदार नहीं है यार ये रॉक गार्डन में। ये भाई यहाँ का रॉक गार्डन, ये क्वीन ऑफ द नाइट इसको बोलते हैं, क्वीन ऑफ द नाइट। यहाँ पे भी है छोटे छोटे बोर रखे हैं यहाँ पे। और आगे चलेंगे तो इधर और ये है दोस्तों कॉटन बॉल कैक्टस, ऊपर से इसके कॉटन लगी है इसके। तो यार दोस्तों हम आ चुके वापस पार्किंग में, देहरादून के जू को हमने कर लिया पूरा एक्सप्लोर, तो चलते हैं वापस घर को। आप मुझे कमेंट के जरिए बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलता हूँ मैं इसी प्रकार से आपको फिर नई वीडियो में, तक के लिए ओके टाटा बाय बाय टेक केयर।